नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड पे। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कैपेसिटर का क्या काम होता है और इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है और ये कैसे काम करता है। तो पूरा इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो आप लोग बिना स्किप करें वीडियो को देखें। और कुछ भी आप लोग को अगर कहीं पे भी दिक्कत आए, कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। तो बात करते हैं हम कैपेसिटर के बारे में, जो कि आपने देखा हमारे इस वाले बोर्ड में भी लगा है और हमारे इसमें भी लगा है। इसमें हमारे यहाँ पे दो लगे थे और वो निकले हुए हैं, लेकिन इसमें कौन से लगे थे मैं आप लोग को बता देता हूँ। इसमें हमारे लगे थे ये वाले 35 वोल्ट 2200 यूएफ के लगे थे, हमारे इस टाइप के लगे थे। ये हमारा 25 वोल्ट 3300 यूएफ का है और इस वाले में है ये हमारे 4440 की जो आईसी है, इसमें भी लगा है हमारा 25 वोल्ट 4700 यूएफ का। तो यूएफ का मतलब क्या होता है? यूएफ का मतलब होता है माइक्रो फेराड। और भी आते हैं इसमें, जो कि हमारा होता है मिली फेराड, नैनो फेराड। तो हमारे पास है ये वाला यूएफ, यानी कि माइक्रो फेराड। ये क्यों होता है? ये अगर सिंपल भाषा में आप लोग को बताया जाए तो ये आपके जो एम्पियर होता है इसको बढ़ाने में काम करता है, जो कि हमारा जैसे हमने ये वाला बोर्ड लिया 3773 और 3055 का, इसमें आप लोग को दिख रहा है हमारे पास लगा हुआ है 35 वोल्ट 2200 यूएफ का। तो हम इसमें बढ़ा सकते हैं कैसे, मैं आप लोग को इसमें दिखा देता हूँ। जैसे कि हमारे पास ये पड़ा है 25 वोल्ट 3300 यूएफ का, ऐसे ही हमारे पास एक और है 25 वोल्ट 3300 यूएफ का। लेकिन इसमें अगर आपको एम्पियर अच्छे बढ़ाने हैं और इसमें आवाज़ की साउंड क्वालिटी आपको अच्छी चाहिए, तो आप लोग इसमें 6800 यूएफ का भी ले सकते हैं, जो कि 6800 आता है, तो आप वो भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छा चलता है। बाकी इसका काम होता है कि आपके जैसे कोई भी आपका सर्किट बोर्ड है, एम्पलीफायर बोर्ड है या किसी भी चीज़ का बोर्ड है, उसमें जो हमें एनर्जी चाहिए होती है, हमें वोल्टेज चाहिए होते हैं, स्टोर करके रखता है। ये काम कैसे करता है? जैसे कि मान के चलें, ये साइड में आपको एक फ़ोटो दिख रही है, फोटो और वीडियो। तो इसमें क्या है कि ये ऊपर से टैंकी से पानी आ रहा है नीचे, ये मान के चलो जो नीचे नल लगा है ये हमारा कैपेसिटर है। ऊपर से जो पानी आ रहा है हमारी वोल्टेज और बिजली है, जो कि इसमें स्टोर हो रही है। अगर पीछे से लाइन बंद हो जाती है, हम कनेक्शन कट कर देते हैं, तब भी हमारे नीचे से आगे जो हमारा वोल्टेज है वो हमारे नीचे नल में पानी दे रहा है, यानी कि हमारी वोल्टेज दे रहा है। इस तरीके से हमारा कुछ कैपेसिटर काम करता है। तो हमारे पंखे में भी लगे होते हैं ये सब। इसको नॉर्मल भाषा में अगर बोलते हैं तो इसको कंडेंसर बोलते हैं। ज़्यादातर आप कहीं पर भी जाएंगे तो आप कंडेंसर बोलेंगे तो कोई भी समझ जाएगा आप क्या मांग रहे हैं। तो आप इसको कंडेंसर भी बोल सकते हैं, कैपेसिटर भी बोल सकते हैं। पंखे में आता है, जो कि हमारा 2.25 का लगा होता है 400 वोल्ट में। हमारा पंखे वाला जो कंडेंसर होता है, कैपेसिटर, वो हमारा क्या काम करता है, वो हमारे पंखे को स्टार्ट करके और स्पीड उसमें बूस्ट करने के लिए काम करता है। जब हमारा पंखे का कंडेंसर ख़राब हो जाता है तब हम लोग लगाते हैं उसमें 3.15 का। साइड में आप लोग को फोटो दिख रही है ये वाला, अगर ख़राब होता है, स्पीड स्लो होती है, तो हम ये वाला लगाते हैं। बाकी ये वाले जो कंडेंसर होते हैं, कैपेसिटर, ये हमारे या हमारी एलईडी वगैरह होती हैं और एलईडी बल्ब होते हैं, उनमें भी हमारा लगा होता है। ये आप लोग को दिख रहा है 63 वोल्ट 100 यूएफ का है ये। और यहाँ पे एक और लगा हुआ है, ये वाला हमारा 63 वोल्ट 2.2 यूएफ का है। कैपेसिटर के और भी काम है, जैसे कि कहीं पे बेस आ रहा है तो आपको ट्रेबल चाहिए, तो आपको साइड में एक और फोटो दिख रही है, ये वाला कैपेसिटर आप लगा सकते हैं, जिसमें कि आपकी झनकार बीट बहुत अच्छी आएगी। ये होता है कैपेसिटर का काम। अगर आपके कैपेसिटर खराब है तो आपको कैसे पता चलेगा? वो डायरेक्ट यहाँ से फूल जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं, या इनका कलर यहाँ से पूरा अलग चेंज हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग को ये पता चल जाएगा। बाकी इसकी लैग होती हैं यहाँ पे इस टाइप की, ये ख़राब होने लगती हैं तो भी ख़राब हो जाता है। बाकी मेरे पास और भी कैपेसिटर हैं, बहुत सारे हैं मेरे पे फिलहाल, अलग अलग टाइप के। आप लोग को भी अगर कुछ प्रॉब्लम पता चले या कुछ अगर आप लोग को डाउट हो तो आप लोग कमेंट करें, ज़रूर पूछ सकते हैं। जल्दी मिलते हैं आप लोग को गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।